हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी वर्कशीट है इंग्लिश की वर्कशीट वर्कशीट नंबर ट्वेंटी वन और ये बाईस अगस्त की वर्कशीट है और इस वर्कशीट के बाद हम करेंगे इकनॉमिक्स की वर्कशीट आप ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ पूरी वीडियो देखिए ताकि अच्छे से आपको समझ आए हम जो भी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो वर्कशीट है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि हमारी कंट्री की नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है तो लास्ट हमारी कंट्री में एजुकेशन पॉलिसी आई थी आ, साल 1986 में उसके बाद अब ये 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और इस एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे स्कूल एजुकेशन का स्ट्रक्चर है कि हमारी जो स्कूल एजुकेशन कैसे है जैसे अभी आपके स्कूल में एजुकेशन है कि आप पहले पांच साल तक आप प्राइमरी स्कूल में हैं उसके बाद फिर आप टेंथ तक स्कूलिंग करेंगे फिर आप इलेवेंथ ट्वेल्थ करेंगे फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाएंगे तो टेन प्लस टू प्लस थ्री का जो सेटअप है अभी तक वो फॉलो होता है लेकिन अब जो है हमारे स्कूल एजुकेशन में नया स्ट्रक्चर आ गया है जो नया स्ट्रक्चर है वो यहाँ लिखा है वो अब आ गया है फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर अगर मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो ये एक तरह से है थ्री प्लस टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर अभी इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब बस यही है कि आपको सबसे पहले तो तीन साल जो है एक बच्चा प्री स्कूल में बिताएगा जब वो तीन साल का होगा तीन साल से लेकर छह साल तक का तो प्री स्कूल या बालवाटी का उसे बोला जाएगा और उसके बाद दो साल वो बिताएगा जब वो छह से आठ साल का होगा क्लासेस वन और टू में जिसे फाउंडेशनल स्टेज बुलाया जाएगा और फिर आ, क्लास थ्री और फाइव में क्लास थ्री से फाइव थ्री फोर फाइव में वो तीन साल और बिताएगा तो ये जो है ये थ्री है तो प्री स्कूल और ये क्लास वन और टू को यहाँ फाइव डिनोट किया है क्लास थ्री फोर फाइव को ये थ्री डिनोट किया है उसके बाद फिर आपकी मिडिल स्टेज आ जाएगी वो होगी क्लास सिक्स सेवन एट वो अगले तीन साल आपके यहाँ पर कहलाएंगे मिडिल स्टेज फिर आएंगे आपके चार साल क्लास नाइन टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ उसे सेकेंडरी स्टेज बोला जाएगा आप ये थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि अब आप अभी टेंथ क्लास में हैं और अगर ये इंप्लीमेंट हो जाती है तो आपके जो अगले दो साल हैं है इलेवेन्थ्वेल्थ वो जो है वो आपके इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग होंगे तो उसकी वजह से अफकोर्स आपके ऊपर भी कई चेंज आएंगे आपके करिकुलम में भी कई चेंज आएंगे तो ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट वर्कशीट हो जाती है आपके लिए तो यहाँ पर एम्फेसिस यही होगा कि पहली बात तो ये कि मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी होगी तो अभी जैसे है आपको बताया जाता है कि आप या तो साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे या आर्ट्स लेंगे और वो उसी डिसिप्लिन में ही आप जो करेंगे वो कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी हो जाएगा मतलब कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पिक कर सकते हैं अपने 11, ट्वेल्थ में आपको एक ही डिसिप्लिन में एक ही साइंस या कॉमर्स में आपको फंसे रहने की जरूरत नहीं है साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग पे एम्फोसिस होगा फ्लेक्सिबिलिटी uh, होगी होगी No. साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप अपनी चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री ले सकते हैं साथ ही साथ आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं mm. तो अभी के लिए तो पॉलिसी में यही सब बताया गया है अब आगे देखिए जब ये इम्प्लीमेंट होती है तो किस किस लेवल पे ये इम्प्लीमेंट होती है स्कूल के, किन किन लेवल पे इन चेंजेस को लेकर आता है साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और चीजें भी हुई हैं हमारी नई पॉलिसी जो आई है उसमें तो जो स्कूल एग्जाम्स हैं वो जैसे हर साल एग्जाम्स uh, होते हैं ग्रेड वन में भी, टू में भी, अलग अलग स्कूल जो है अलग अलग तरीके से जो एग्ज़ाम्स करते हैं तो अब जो है स्कूल एग्जाम जो है वो सिर्फ और सिर्फ तीन लेवल्स पे होंगे तो ग्रेड थ्री में होंगे ग्रेड फाइव में होंगे और ग्रेड एट में होंगे उसके साथ ही तो ये इन्फॉर्मेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपसे कोई छोटे आपके भाई बहन हैं या कोई रिलेटिव हैं तो उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आप उनसे भी शेयर कर सकते हैं साथ ही साथ आपका असेसमेंट जो है मतलब आपको आपकी जो लर्निंग है वो इवेल्यूएट कैसे होगी कि आपने पढ़ाई कैसे की है तो आप जानते हैं कि एग्जाम होते हैं टेस्ट होते हैं एफ ए वन एस ए वन ऐसे असेसमेंट्स जो होते हैं तो वो जो है वो फॉर्मेटिव स्टाइल में चला जाएगा मतलब कि साल भर आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे स्कूल में उन सब को इवेल्युएट किया जाएगा उन सब के बेसिस पे ही आपके मार्क्स लगेंगे ऐसा नहीं कि बस साल के एंड में एक एग्जाम दिया और उसी पे आपकी जिंदगी पूरी डिसाइड हो जाएगी पास फेल डिसाइड हो जाएगा ऐसा नहीं है तो साल में आप जितने भी जितना भी पार्टिसिपेशन करते हैं वो सब जो है वो गिना जाएगा और उसमें क्या क्या गिना जाएगा उसमें गिना जाएगा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो इसीलिए भी हम कहते हैं कि हमारी वीडियोस को ध्यान से सुनिए उन्हें पूरा सुनिए पूरा समझिए क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर कर देने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे आपकी जो बाकी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हैं आप किस तरह से सोच रहे हैं आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर रहे हैं और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स की कॉन्सेप्ट्स की समझ कितनी अच्छी है आपकी तो ये सारी जो चीजें हैं इनका असेसमेंट होगा अब बोर्ड एग्जाम जो है अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप टेंथ में है आगे ट्वेल्थ भी करेंगे तो बोर्ड एग्जाम जो है वो वैसे ही कंटिन्यू होंगे जैसे पहले थे लेकिन उसमें ये जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि वो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए डिजाइन किए जाएंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपकी सब्जेक्ट को टेस्ट करेंगे बल्कि बाकी चीजों को भी वो टेस्ट करेंगे कि आप अपनी बाकी पर्सनालिटी वाइज या बोलने के वाइज अलग अलग चीजों में फिजिकल एजुकेशन में आप कितने अच्छे हैं वो ये भी देखेंगे साथ ही साथ आपको ये अलाउ कर दिया जाएगा कि आप बोर्ड एग्जाम जो है आप एक साल में दो बार ले सकते हैं तो आप ट्वाइस ये एग्जाम ले सकते हैं साथ ही साथ अब आप जो ये एग्जाम दो बार ले पाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि एक तो आपका मेन एग्जाम होगा ही जो सभी लेंगे साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने किसी रीजन से उस एग्जाम में अच्छे से नहीं किया है तो आप इम्प्रूवमेंट भी दे सकते हैं तो ऐसा हो सकता है कि यू नो मगवाना के लिए लेकिन आपकी तबियत खराब हो जाए या कोई और रीजन हो जाए या घर में कुछ हो जाए जिसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाए ढंग से जिसकी वजह से आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आप चाहें तो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम भी बोर्ड में दे पाएंगे ऐसा भी नई पॉलिसी कहती है एक और मेन चेंज ये आया है ये है ये चेंज नहीं पर्टिकुलरली एक्चुअली ये पहले भी था लेकिन और ज्यादा इसको एम्फोसाइज किया गया है कि क्लास एट्थ तक आपकी जो घर की लैंग्वेज है या मदर टंग है या लोकल लैंग्वेज है जो आप घर पे बोलते हैं आप हिंदी बोलते हैं या कोई और लैंग्वेज बोलते हैं जो भी आपकी घर की लैंग्वेज है उसमें आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपकी पढ़ाई होगी क्लास एट्थ तक फिर अगला यहाँ पर चेंज ये है कि जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो दो लेवल पे प्रोवाइड किए जाएंगे और जिसको मैथमेटिक्स से शुरुआत जिसकी होगी तो अलग अलग लेवल्स बनेंगे सब्जेक्ट के और उन लेवल्स पे आपको ये पढ़ाया जाएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये होगा कि साल में दस बैगलेस डेज होंगे मतलब साल में ऐसे दस दिन होंगे जब आपको बैग नहीं लाने को बोला जाएगा स्कूल में किताबें नहीं लाने को बोला जाएगा बल्कि उन दस दिनों में आपको स्कूल में एक वोकेशन सिखाया जाएगा आपकी ही चॉइस का तो अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं कोई काम सीखना चाहते हैं तो वो काम जो है आपकी चॉइस का जो भी काम होगा वो आपको सिखाया जाएगा तो ये हैंड्स ऑन लर्निंग यहां पर होगी तो ये जो है ये पॉलिसी में कुछ चेंजेस आए हैं नई पॉलिसी आई है और वो चेंजेस लाई है एजुकेशन सिचुएशन में हमारी कंट्री में इसी पे बेस्ड आपकी एक लेटर राइटिंग एक्टिविटी है तो ऑलरेडी हम इंग्लिश में भी लेटर राइट राइटिंग कर चुके हैं हम हिंदी में भी हमने अभी पिछली वर्कशीट में पत्र लेखन किया था तो ये एक ऑफिशियल लेटर है औपचारिक लेटर है ये प्रिंसिपल के लिए तो आपके स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसे आपको एक लेटर लिखना है 120 से 150 वर्ड्स में और किसके ऊपर आपको लेटर लिखना है आपको अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं आपको अपने ओपिनियंस देने हैं आप क्या सोच रहे हैं इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वो आपको बताना है उस लेटर में तो आपको यहाँ पॉइंटर्स भी दिए हुए हैं तो आप किन किन बातों के बारे में लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं किस चीज के बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं बहुत खुश हैं जानकर फिर आप लिख सकते हैं कि किस चीज के बारे में आप कंसर्न है मतलब आपको चिंता है किस किस बात की और तीसरा यहाँ आपको ऑप्शन साथ ही बताया हुआ है कि आप अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उसके बारे में भी इस लेटर में लिख सकते हैं तो हम आपको जल्दी से ये सैंपल लेटर दिखा देते हैं तो आपका जो सैंपल लेटर है यहाँ पर जल्दी से बता देती हूँ क्या लिखा है जैसा कि पिछले लेटर में भी आपको बताया है आप पहले लिखेंगे टू जिसके आप लेटर लिख रहे हैं फिर द प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल को लिख रहे हैं फिर अपने स्कूल का नाम तो यहाँ पे नेम ऑफ योर स्कूल मत लिखिएगा आप अपने स्कूल का नाम लिखिएगा यहाँ पर फिर एड्रेस ऑफ योर स्कूल अपने स्कूल का पता यहाँ पर लिखिएगा ये एड्रेस ऐसी एज इट इज मत लिखिएगा बल्कि अपने स्कूल का पता यहाँ लिखिएगा और इंग्लिश में लिखिएगा उसके बाद फिर आप लिखेंगे ये डेट फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट किसके ऊपर आप ये लेटर लिख रहे हैं आप ये लेटर लिख रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हुए तो व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सब्जेक्ट ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये बहुत छोटा होता है स्पेसिफिक होता है टू द पॉइंट होता है उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ रिस्पेक्टेड मैडम अगर आपके स्कूल के प्रिंसिपल एक मेल है तो आप यहाँ सर लिखेंगे फीमेल है तो मैडम लिखेंगे उसके बाद मैं आपको जल्दी से कंटेंट दिखा देती हूँ कि आपके लेटर uh, का कंटेंट क्या होगा तो लेटर का आपका जो कंटेंट है वो ये है कि मैंने अभी रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ा आई रिसेंटली रेड अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई एम रियली एक्साइटेड टू नो किस किस चीजों के बारे, बारे में आप एक्साइटेड है तो आप एक्साइटेड हो सकते हैं जो दस बैगलेस डेज हैं जिनमें आपको एक नया कुछ काम सीखने को वोकेशन सीखने को मिलेगा उसके बारे में आप एक्साइटेड है क्यों क्योंकि वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कोई एक नई स्किल सीखने का साथ ही साथ आप इस चीज के लिए भी एक्साइटेड हैं कि आपको दो चांसेस मिले हैं बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करने के जो आपका जो है वो प्रेशर जो पड़ता है आप पर कि भाई एक बारी में ही अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो ये प्रेशर अब नहीं रहेगा आप पर साथ ही साथ आप किस चीज के बारे में कंसर्न है सो एट द सेम टाइम आई एम कंसर्न मुझे चिंता है कि जो क्लासेस थ्री फाइव और एट है तो वो एग्जाम्स देंगे और वो जो जो उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो वो किस तरह का होगा तो वो आपको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है आपको चिंता है कि पता नहीं किस तरह से उनके एग्जाम बनाए जाएंगे तो साथ ही साथ आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो क्वेश्चन यहाँ पर हमने पूछा है कि जो टू uh, लेवल्स जो आपको बताए गए हैं टू लेवल्स एट विच ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड वो थोड़ा आपको क्लियर नहीं है हो सकता है आपको क्लियर ना हुआ हो तो वो आप एज क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन है और फिर एंड में आप कंक्लूड करेंगे कि आई होप माय क्वेरीज विल बी आंसर्ड थ्रू फर्दर डिस्कशन ऑन दैट टॉपिक तो आप ये उम्मीद करते हैं आप ये होप करते हैं आपके जो बाकी क्वेश्चन है वो जब आप इस टॉपिक के ऊपर और डिस्कशन करेंगे तो उससे आंसर हो जाएंगी तो इस तरह से कंक्लूडिंग जो है आप सेंटेंस लिखेंगे उसके बाद आप लिखेंगे थैंकिंग यू क्योंकि आप थैंक यू करेंगे फिर योर सिंसियरली फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे ये योर नेम मत लिखिएगा अपना नाम लिखिएगा योर क्लास भी नहीं आप अपनी जो क्लास है टेंथ ए बी सी जो भी क्लास है आपकी आप वो लिखिएगा यहाँ पर और इस तरह से आप ये लेटर लिखेंगे अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए कोशिश कीजिए कि इस सैंपल लेटर से आइडिया लेकर आप अपना खुद का एक लेटर लिख पाए अब चलते हैं आपकी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट पर हाई स्टूडेंट्स स्टूडेंट सब हम देख लेते हैं अपनी इकोनॉमिक्स की वर्कशीट आज की जो वर्कशीट है उसके अंदर हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस वर्कशीट को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे ये ट्वेंटी सेकेंड ऑफ अगस्त की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर ट्वेंटी वन तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में सो पहले हम देख लेते हैं पब्लिक और प्राइवेट के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है आप समझ जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है वो सेक्टर जो गवर्नमेंट द्वारा देख रेख में रहता है बेसिकली गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करती है और प्राइवेट सेक्टर होता है जहां पे कोई भी बंदा इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है एक प्राइवेट बंदा एक सिंगल बंदा या बहुत सारे लोग मिल एक कंपनी चलाते हैं तो पब्लिक सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर होते हैं जहां पर वो पब्लिक के लिए वेलफेयर के लिए चला जाते हैं जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं रेलवे रेलवे एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का तो वो अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा तो उसमें क्या होगा लोग प्रॉफिट के लिए ज्यादा काम करेंगे तो उस वजह से वो उसको पब्लिक में ही रखा जाता है रोड्स को भी पब्लिक सेक्टर में डिफेंस जो हमारे देश की जो सिक्योरिटी है वो पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है क्योंकि वो गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों को नहीं देना चाहती बिकॉज वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है साथ ही साथ और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं आप खुद भी सोचें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक है पब्लिक का मेरा मतलब है गवर्नमेंट के अंडर आती हैं प्राइवेट सेक्टर वो होती हैं जो प्रॉफिट के लिए नॉर्मली करी जाती है प्रॉफिट मेकिंग के लिए आप जो बिजनेस करते हैं आपके फादर मदर आपके भाई बहन कोई भी कोई बिजनेस करता है वो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है एक तरीके से तो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हो जाती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाती है अवेरा जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर प्रॉफिट इसका मेजर काम नहीं होता प्रॉफिट हो जाए अच्छी बात है वो कोशिश भी करते हैं प्रॉफिट कमाने की बट ऐसा नहीं है कि उनका मोटो जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है आगे इसके अंदर बात कर लेते हैं अः अगर कोई बंदा पब्लिक सेक्टर में काम करता है तो उसकी जॉब सिक्योरिटी होती है ये तो आप सब जानते होंगे वेरास प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है जॉब सिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती जब तक आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तब तक आपकी जॉब रहेगी उल्टा ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है मैं आपको ये भी क्लियर कर दू प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ ज्यादा रहती है क्योंकि वहां पर मेहनत करने वालों को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक में नहीं दिया जाता बट वहां पर एक जॉब सिक्योरिटी रहती है ये इसका मतलब है इन दोनों के बीच में कंपेरिजन ऑल द सर्विस गवर्नमेंट ऑल द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडिविजुअल और कंपनी पहले डिस्कस कर लिया यहाँ पर जो होती है बहुत सारी और फैसिलिटीज भी होती है पेड लीव होती है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती है यहाँ पे लीव तो दी जाती है जनरली लेकिन बाकी फैसिलिटीज नहीं दी जाती यहाँ पे बाकी फैसिलिटीज से इनका मतलब है इंश्योरेंस हो गया या सपोज करो किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर में उनको उसका भी देखभाल रखा जाता है वेर प्राइवेट में ज्यादातर कंपनीज कुछ अच्छी कंपनीज हैं ऐसा नहीं है कि सारी कंपनीज बुरी होती हैं कुछ अच्छी कंपनीज होती हैं जो अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखती हैं एग्जाम्पल हमने रेलवे यहाँ पर बताई दिया डिफेंस हो गया और भी बहुत सारे हमने एग्जाम्पल डिस्कस कर लिया प्राइवेट में रिलायंस हो गया आपका एयरटेल हो गया जियो जो आजकल आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए तो ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं जो प्रॉफिट के लिए एक काम करती हैं आगे चलते हैं ऑर्गेनाइज और, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच में जो है डिफरेंस देख लेते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर एज जैसा कि इसका नाम बता रहा है ये एक ऑर्गेनाइज होता है ये एक स्ट्रक्चर्ड होता है बेसिकली तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके प्रॉपर तरीके से काम चलता है अनऑर्गेनाइज हो गया जो अनऑर्गेनाइज जैसे कि नाम आपने खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं है तो ऑर्गेनाइज के अंदर फेयर वेजेस होते हैं फेयर वेजेस का मतलब हो गया सबको बराबर उनके काम के हिसाब से जॉब प्रोफाइल के हिसाब से काम पैसे मिलते हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज में लो वेजेस होते हैं अनऑर्गेनाइज में जैसे हॉकर्स हॉकर्स हो गया या फिर लेबरर्स हो गए जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आ जाते हैं तो यहाँ पे लो वेजेस इसलिए हैं जिसको जैसा काम मिल जाता है जैसे भी मिल जाता है वैसे वो बंदा काम करने लग जाता है यहाँ पे वर्किंग आवर्स इज नॉट फिक्स अगर कोई एम्प्लॉयर है वो कह रहा है कि भैया सुबह आके छह बजे काम करो तो उनको करना पड़ सकता है कई बार बिकॉज उनको और कोई जॉब नहीं मिल रही अभी आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों को पैदल चल के गाँव की तरफ जाना पड़ा बिकॉज वो सारे के सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे क्योंकि उनके एम्प्लॉयर मतलब जो काम दे रहे हैं जो लोग ढंग से उनको ख्याल नहीं रख रहे इसी तरीके से यहाँ सेक्टर में वेजेस जो टाइम हैं है। जैसे कि हम यहां पे जॉब कर रहे हैं। स्कूल में तो हमारा क्या है कि हमें सुबह इतने बजे आना है इतने बजे जाना है तो टाइम हमारा फिक्स है फेयर भी वेजेस भी हमारी ऑलमोस्ट फेयर रहती हैं सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब सिक्योरिटी कंपेरिटिवली इनसे ज्यादा अच्छी होती है प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़ दे तो बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय स्कीम मतलब अगर आप बेनिफिट्स का मेरा मतलब है यहाँ पर यहाँ पर हो सकता है जैसे कि लीव का मेडिकल का और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप जॉब पे जाते हैं यहाँ पर एक सपो मैं एक एग्जांपल सिंपल सी देता हूँ आपके घर में कोई काम वाली आती है बर्तन मारने या फिर कुछ तो उनके पास वो क्या है कोई भी बेनिफिट इस तरीके के नहीं मिलते वहां पर अगर वो बंदा छुट्टी मार रहा है तो उसकी वहीं की वहीं की पे कर जाती है। यहाँ पे छुट्टी तो अलाउड भी होती है एक दो बेटर वर्किंग कंडीशन ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है ज्यादा कंडीशन बेटर होती है यहाँ पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती आपने देखा होगा भरी दोपहरी में भी लोग अपना ठेला लेके घूम रहे होते हैं घर घर जाके बेच रहे होते हैं तो वर्किंग कंडीशन आपको सोचें चाहे दोपहर का टाइम हो रहा हो तब भी उनको काम करना पड़ता है बिकॉज वो दिहाड़ी मजदूरी कहलाती है ऑर्गेनाइज सेक्टर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बैंकिंग उन्होंने दे रखा है बहुत सारे और सेक्टर हो सकते हैं तो यहाँ पर हमारी जो है वर्कशीट आपको समझा गई होगी उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट हो कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने ओपिनियन पोस्ट कर सकते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स देख लेते हैं ट सेक्टर तो इन दोनों को जब हमने करना है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मतलब दोनों के बीच में क्या कंपेरिजन है तो आपको ये दोनों के दोनों के बारे में लिखना है ये हमारा पहला आंसर हो गया इनको पॉइंट के फॉर्म में लाइन बना के कॉलम बना के आप इसको लिख सकते हैं कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को और कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है तो आप अपने आप पॉइंट उसके अंदर एड भी कर सकते हैं सेकेंड आंसर की तरफ चलते हैं कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स तो वो आपने यहाँ पे सेकेंड वाला देख लिया ये आप यहाँ पे लिख देंगे ये आंसर नंबर टू हो गया नेक्स्ट चलते हैं आपका आंसर नंबर थ्री राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रॉब्लम इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ये मैं आंसर जो है आपको ये दोनों आंसर थर्ड एंड फोर्थ फाइव एग्जांपल्स ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर ये मैं आपको हिंदी की वर्कशीट के बाद दोनों के आंसर इकट्ठे दिखाऊंगा हिंदी में इसी वर्कशीट को थोड़ा सा देख लेते हैं जो इनकी टर्म्स है आइए सेम वर्कशीट को हम हिंदी में देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हमने सेक्टर्स के बारे में पहले ही बात कर ली है तो इन आज हम बात करने वाले हैं सार्वजनिक क्षेत्र और निजी तो सार्वजनिक हो गया जो सबके लिए गवर्नमेंट द्वारा जो चलाया जाता हो डिटेलिंग हमने पहले ही डिस्कस कर लिया प्लीज वीडियो जो है इंग्लिश वाली सुन लें जो है वो हिंदी में ही कर रहे हैं यहाँ पे मैं बस आपको टर्म्स बता रहा हूँ सार्वजनिक हो गया पब्लिक सेक्टर यहाँ पे निजी हो गया प्राइवेट सेक्टर तो हमने इसके बीच में कंपेरिजन हमने डिस्कस कर ही लिया है और दूसरा हमने डिस्कस करा था संगठित क्षेत्र जो कि हो गया आप का ऑर्गेनाइज सेक्टर और असंगठित जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो जैसे कि आप देखते होंगे मार्केट लगती है जहां पर हम रहते थे आसपास जो है ना मार्केट लगती थी हर मंगलवार को मार्केट लग रही है तो उन बंदों के साथ बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वो असंगठित सेक्टर में थे क्षेत्र में थे क्योंकि उनको हर बार सामान उठा के लेकर आना पड़ता था फिर जाना पड़ता था कभी बारिश आ जाती थी तो बड़ी दिक्कत होती थी कोई सेल नहीं होती थी और उनका सामान भी खराब हो जाता था अब ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो संगठित नहीं है मतलब वो एक स्ट्रक्चर में नहीं है उनके पास ना कोई पक्की दुकान है ना कोई पक्का सामान है उनको बचाने के लिए ना कोई इसको कोई देखभाल भी कर रहा है ना कोई सरकार इसके अंदर कोई इंटरवेंशन कर रही है मेरे संगठित सेक्टर में क्या होता है एसोसिएशन बनी होती है और लोग आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहे होते हैं कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी हेल्प करते हैं तो हमने इसके बारे में डिटेलिंग तो पढ़ ली है तो आइए चलते हैं आंसर्स भी देख लेते हैं पहले प्रश्न का जो उत्तर है कि हमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच में डिफरेंस लिखना है बेसिकली तो ये आपके जो पॉइंट है ये उत्तर नंबर एक हो गया उत्तर नंबर दो आपका पूछा गया है संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बीच में डिफरेंस बताना है बेसिकली तुलना करनी है तो ये आपका उत्तर नंबर टू हो गया उत्तर नंबर तीन के लिए अभी देख लेते हैं असंगठित क्षेत्र के समा समस्याओं पर बेसिकली समस्या मतलब प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करनी है और निबंध टाइप लिखना है नोट शॉर्ट नोट लिखना है और चौथा क्वेश्चन का भी आंसर अभी हम दिखा देते हैं पांच आपको लिखनी है निजी क्षेत्र कंपनियां और पांच लिखनी है आपको सार्वजनिक तो आइए देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चन के थर्ड और फोर्थ के आंसर्स आंसर नंबर थ्री यहाँ पे दे रखा है मैंने

मुझे आता सब्जी बेचने आते थे वो बहुत दूर से चलते हुए आते थे उनके पास कोई एक ठिकाना नहीं है जाने का जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोगों की शॉप होती है तो उसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के इज नो फॉर्मल एम्प्लॉयर कोई उनको एक फॉर्मली कोई जॉब नहीं दे रहा वो किसी के भी अंडर जाके काम कर सकते हैं अगर कोई लेबरर है आज मैं किसी और के अंडर काम कर रहा हूँ कल किसी और के अंडर द अनऑर्गेनाइज वर्कर्स आर सब्जेक्ट टू एक्सप्लॉयटेशन अब उनका कोई एक ठिकाना नहीं होता तो इस वजह से एक्सप्लोर्टेशन बहुत होता है ये बहुत ज्यादा हुआ जब ये कोरोना की वजह से जब कोई काम ही नहीं था किसी के पास तो कोई उनको काम दे भी नहीं रहा था बिकॉज उनके पास भी काम नहीं था ऐसा नहीं है कि उनकी भी कोई दिक्कत है कोई बाहर ही नहीं निकल रहा तो उस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहा था ये अनऑर्गेनाइज वाले By the society, they receive poor working इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं ये हमारा आंसर नंबर थ्री हो गया आइए चलते हैं पांच पांच एग्जाम्पल देख लेते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के हिंदी और इंग्लिश दोनों में तो पब्लिक सेक्टर के मैंने पांच एग्जाम्पल लिख दिए हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कोल इंडिया सो so, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक रहते हैं बिकॉज वो गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं और भी आपको अगर पता हो और भी हैं आप वहां से और भी लिख सकते हैं पांच प्राइवेट प्राइवेट कोई भी कंपनीज हो सकती हैं टाटा कंसल्टेंसी हमने लिखी है इंफोसिस लिखा है विप्रो हिंदुस्तान लेवर लिमिटेड आईसीआईसी बैंक तो एच बैंक भी हो सकता है आपका एयरटेल हो गया वोडाफोन हो गया तो जो जो चीजें आप आसपास यूज करते हैं आप देखें वो सारी सारी प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी है या पब्लिक सेक्टर है आप समझ सकते हैं तो आज की इकोनॉमिक्स की वर्कशीट में इतना ही अगर पसंद आई हो तो चैनल को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और शेयर करें इस वीडियो को ताकि बहुत सारे बच्चों तक ये हमारी इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए क्योंकि आपने आज इंग्लिश की वर्कशीट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है जो कि सब बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए तो अगली वर्कशीट में मिलेंगे कल थैंक यू फॉर वॉचिंग